लीडर नहीं, लोकसभा में जो लीडर वो होता है जो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट करे, वो हरामजादा हैदराबाद के लोगों को तो लीड नहीं करता, मुझे अयोध्या की बाबरी मस्जिद दो। 11 तारीख को बोलता है कि जो है ना मैं और संदीप जो है हम मानेंगे, 13 तारीख को अपनी बात से मुकर जाता है। दीन इस्लाम में तो ऐसे आदमी को लानत भेजी गई है जो वादा करके वादे से पलट जाए। भाई असद भाई तुझे हमने इसलिए जिताया कि तू बाबरी मस्जिद की बात करे, चार मीनार की बात क्यों नहीं करता भाई तू? भाग्यलक्ष्मी मंदिर गैर कानूनी हटाओ बोलता, हम बोलते हैं कि भाग्यलक्ष्मी मंदिर वहाँ पे रहे, क्योंकि अगर वो हटेगी तो फिर एक दूसरे के दिलों में मोहब्बत नहीं नफरत आएगी। हमको तकलीफ नहीं है, तुझे क्यों तकलीफ है? तुझे क्यों तकलीफ है बे? तू 32 साल पहले जो बीजेपी नहीं थी उस जमाने से तेरे बाप के दौर से जो ना वो मस्जिद बंद रखी तुमने, तुम खोलो पहले। वो हैदराबाद की 102 से ज्यादा मस्जिदें सुना जाता है कि बंद है, तू क्यों नहीं खुलाता बे? तू तो जो TRS पार्टी है उसको तो तूने एक तरह से ब्लैकमेल कर रखा है, पुलिस के IPS ऑफिसरों को, IPS ऑफिसर IAS ऑफिसर जो जिनकी वजह से इनको बोले ब्यूरोक्रेट्स की वजह से देश चलता है, इनको मजबूर कर रखा है सालों ने, नाक में दम कर रखा है। ये लैंड ग्रैबर आता है, ये कहीं तालाब की जमीन कब्जा करता है तो ये इनका आदमी फोन करता है, साहब ने बोला कि उसको छोड़ा दो, इनको छोड़ दिया। ये आता है कब्रिस्तान का जो ना जमीन खाता है, साहब ने बोला छोड़ दो, छोड़ दिया। अबे फिर पुलिस वाले करेंगे क्या? एक IPS ऑफिसर बना है, उसने अपनी जिंदगी में कुछ उसूल मूल्य सिद्धांत बनाए हैं, उसके मूल्य सिद्धांत तो कचरे के डब्बे में जा रहे हैं। अरे उसको उसकी ड्यूटी करने दो ना। हैदराबाद में बेहतरीन कमिश्नर हैं अंजनी कुमार जी, और उनसे पहले जो कमिश्नर थे नरसिंह कुछ नाम था, अब जो DGP हैं, और साइबराबाद के कमिश्नर हैं, और अभी जो दूसरे और एक कमिश्नर थे जो साइबराबाद के हैं और एक कमिश्नर, इन लोगों को मैं खुली बात बोल रहा हूँ, इन लोगों को एक तरह से प्रेशराइज किया जाता है अपनी गंदी पॉलिटिकल गेंस को और अपने माइलेज को हासिल करने के लिए, जहां पर कब्रिस्तान, शमशान घाट की ज़मीन है, कब्रिस्तान की ज़मीन है, तालाबों की ज़मीन है, और मुर्दों को बड़े बड़े हॉस्पिटल से ना मुर्दों को, मर्द आदमी की लाश 5 लाख में, औरत की 20 लाख में कहां पर दी जाएगी? ये सुना जाता है, तहकीक आप लोग कराएं कि भाई लड़की की लेडीज़ की लाश होगी तो 20 लाख में किसको देंगे? गायनेकोलॉजिस्ट को देंगे, वो 6-8 लड़कियाँ मिलकर गायनेकोलॉजिस्ट उसके ऊपर रिसर्च करेंगी। भाई ये मुर्दा माफिया, लैंड माफिया, कब्रिस्तान माफिया, शमशान घाट माफिया, ये सब माफिया तो चला रहे हो तुम। फिर तुम अपने आप को दाढ़ी रख करके बड़े शरीफ मुसलमान बनते हो, सिर पर तुम जो है ना टोपी रखते हो, उस पर जो अल्लाह के रसूल के जूते की नाल रखते हो। क्या कभी अल्लाह के रसूल ने बोला कि मेरी जो जूती है उसकी पिक्चर बना के सिर पर लगाओ? किसको बेवकूफ़ बना रहा भाई? मैं भी मुसलमान हूँ, तेरे उतनी बड़ी दाढ़ी नहीं है मेरे पास, लेकिन ईमान तेरे से मजबूत है और हलाल खाता हूँ, किसी पर जुल्म नहीं करता, किसी को तकलीफ नहीं देता। तुम भी वही करो, तुम्हारे में अगर ईमान है वो फाड़ के फेंक के क्या नाटक बता रहे हो? फाड़ के क्या फेंके रहो? जमहूरियत वो है जहाँ पर 10 अगर गलत लोग भी खड़े हुए हैं और अगर 6 अगर सही लोग हैं तो 10 की मानी जाएगी। तुम बीइंग ए पार्लियामेंटेरियन ऑफ हैदराबाद कंस्टिट्यूएंसी, तुमने हैदराबाद के लोगों को NRC के बारे में जागरूकता दिलाई? तुम नाटक कर रहे हो बे? तुम गवर्नमेंट को एक बात बोलता हूँ मैं, सेंटर से जो फंड आएगा सिद्धू निवेशी को वो तो नरेंद्र मोदी जी की कैबिनेट देगी ना। अबे तुम्हारे में ये सलाहियत ही नहीं है, तुम जो नरेंद्र मोदी को ये बोलते हो वो गिन देते हो। मैं तुमको कुरान सिखाता हूँ, अगर तुमको कुरान नहीं मालूम तो कुरान सिखाता हूँ, जहाँ पर अल्लाह ताला नरेंद्र मोदी की भी इज्जत करने के लिए बता रहे हैं कुरान में। आयत सुन लो सब लोग, قال الله تعالى في القرآن الحكيم وآتوا الله وآتوا الرسول وأولو الأمر منكم। अब यहाँ पर जो उलुल अमरी मिनकुम है ये समझ ले सब लोग, उलुल अमरी मिनकुम यानी कि अमरियत यानी कि जो हाकिम होता है, रूलर होता है, उसकी रिस्पेक्ट करो बोला गया है। जब तक कि वो तुमको कुफर पे और शिर्क पे मजबूर ना करें। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने तुमको कब बुलाया? तुम हिंदू बन जाओ। तुम हर बात में, वो मोदी ने ये बोला, योगी ने ये बोला, अबे योगी है उत्तर प्रदेश में, तू है हैदराबाद में, अभी तो तू मिनिस्टर नहीं बना, तू नाटक क्यों कर रहा भाई? अल्लाह के वास्ते तू समझ भाई, एक बात समझ लो, अगर तुमको ईमान है तो तुम क्या करो, अपने जमीर की आवाज़ पे, अपने अंतरात्मा की आवाज़ पे तुम ये करो कि हैदराबाद की जनता ने मुझे जिताया, हैदराबाद की जनता के लिए जो सेंटर से जो फंड आता है वो फंड जो है ना वहाँ से ला के वहाँ पर डिसबर्समेंट करो। और ये मालूम है अब क्या कहा उन्होंने, एक नई बात सुनी थी मैंने, फिर मैंने कंफर्म किया उसको, इन्होंने 100 करोड़ जो इनको हर साल मिलते हैं उसमें से 100 करोड़ खर्च करके हिसाब ही नहीं बताया। अब दूसरी बार कहाँ मिलेंगे 100 करोड़ भाई? हाँ, और तुम पेपर फाड़ के हीरो बनते हो, तुम बताए पार्लियामेंट में कि तुमने जो 100 करोड़ लिया था उसका हिसाब ही नहीं दिया। अब नहीं दिया तो दोबारा मिलेंगे नहीं पैसे, तो तुम्हारे बाप की जागीर है वो। हमने तुमको जिताया इसीलिए कि तुम 100 करोड़ कहीं दबा दो और जो ना 100 करोड़ का हिसाब मत दो, और बाकी के जो 5-4 साल के और 400 करोड़ वो हमें ना मिले। बीइंग ए पार्लियामेंटेरियन, तुम्हारे बारे में लोग बहुत बड़ी गलतफहमी में है, क्यों? मिनिस्ट्री मीडिया तुमको जो है ना हीरो बना के बता रही है, लेकिन तुम हीरो नहीं हो, तुम विलन हो, सारे देश के विलन हो। मैं सारी भारत की सारी जनता से, हिंदुस्तान की सारी जनता से एक बात बोलूँगा, देश हित में अगर आपको अगर खड़े ना है, काम करना है, तो असदुद्दीन अवैसी जैसे और दूसरी कौमों में इनके जैसे जहर फैलाने वालों से बचें, तभी हमारा देश बच पाएगा। और हम इस बात की कोशिश करें कि देश के नौजवानों को मायूस ना करें। और नागरिकता बिल के बारे में भी एक बात बोल दूँ कि सभी, मैं होम मिनिस्टर अमित शाह जी को भी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को, आप लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, भगवान ने आपको एक पदवी दी है,
उसको अच्छी तरह से यूज़ करें। हर दौर में लीडरों से गलतियाँ होती हैं, चाहे मनमोहन सिंह जी हो, चाहे वो जो जो भी हो, नेहरू जी, हर एक से होती है, इंसान है। लेकिन एक रिपोर्ट कार्ड देखा जाता है कि किसने कम गलतियाँ की। मोदी जी, जिस तरह से आपको दुनिया भर के देशों में, अरब देशों ने आपको सराहा, आपको एक बेहतरीन दोस्त का खिताब दिया, हम हैदराबाद के हिंदुस्तान के अरब लोग, 5 लाख ही हम लोग, हम आपके साथ हैं, हर अच्छे कदम में आपके साथ रहेंगे। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक ऐसी ट्रांसपेरेंसी का काम करें एनआरसी के बिल में, जो लोग जो इसमें इल्ज़ाम लगा के अफवाह फैला रहे हैं, लोगों का माहौल ख़राब कर रहे हैं, वहाँ पर आप ऐसी ट्रांसपेरेंसी लाएं कि हर पार्लियामेंटेरियन को और हर असेंबली के एमएलए को इस बात के लिए आप मजबूर करें कि तुम अपने एरिया के लोगों की नागरिकता का जो रिकॉर्ड है उसको सही करोगे। क्यों ये भी बोलता हूँ मैं, ये किस लिए बोल रहा हूँ, मैं समझ लो, हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी के 7 हलकों में नॉन मुस्लिम हिंदू लोग, नॉन मुस्लिम समझ लो, उनमें से एक हलके से किसी के 50,000 निकल दिए, किसी के 40,000 निकल गए, किसी के 30,000 निकल दिए। भाई क्यों भाई, एक इस्लामी मुल्क है हिंदुस्तान, तुम अपने तुम्हारे बाप की जागीर है, ये क्या गेम खेल रहे हो तुम? तुम्हारी अपनी पार्टी के ऑफिसों में बैठ के तुम नाम कटा रहे हो लोगों के। मैं 2015 से मैं जो है ना इनकी गलत पॉलिसी के खिलाफ बात कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि भाई इनको एक्सपोज किया जाए, इनको बिठाया जाता है जब हम बोलते हैं भाई इनके बारे में, ओ असद ओवैसी के बारे में, नहीं नहीं क्यों भाई, दामाद है तुम्हारा, कौन है असद ओवैसी? एक तरह से मेरे अपने नज़रिए से देशद्रोही हो गया हूँ। कैसे देशद्रोही है? जो इंसान, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हुब्बुल वतनी मिनल ईमान, देश से प्रेम करना ईमान की अलामत है। अगर इनको देश से प्रेम होता तो ये बोलते कि भाई ये जो भाग्यलक्ष्मी की मंदिर है ये रहे यहीं पर, मुझे इससे कोई तकलीफ नहीं, बल्कि मैं इसकी हिफाजत करूँगा। मेरे मुसलमानों ने बोला मुझे मस्जिद खोलूँ तो मैं मस्जिद खोलूँ, मस्जिद तो सारे खोलते नहीं, और तुम जो है ना अपने आप को देश के प्रेमी बताते हो ये बोल के कि भाग्यलक्ष्मी मंदिर हटाओ। क्यों हटाएं भाई, जब तुम हम नहीं चाहेंगे तो फिर हटाने की ज़रूरत क्या है? ज़रूरत है, ज़रूरत है हमको रोज़गार की, ज़रूरत है हमको शिक्षा की, ज़रूरत है हमको अच्छे हॉस्पिटल्स की। जिस तरह से यहाँ की एक अरविंद केजरीवाल गवर्नमेंट, स्टेट की गवर्नमेंट में जिस तरह से इन्होंने पानी की अच्छी सहूलत दी है, लाइट की, गलतियाँ होती होंगी इनसे भी, लेकिन मेरा अपना एक मैंने देखा जनरली। सेंटर में जैसा कि मोदी जी को जिताया है, ये लोगों ने मतलब ये बात समझी है कि भाई ये कर सकते हैं, मौका देना चाहिए। तो उसी तरह से मैं चाहूँगा कि हैदराबाद की भी गवर्नमेंट बिना किसी असदुद्दीन ओवैसी के प्रेशर में आए, गुड गवर्नेंस का काम करे। जिस तरह से प्रियंका रेड्डी के मामले में वो लोग भाग रहे थे, पुलिस ने उनको मार दिया, तो किसी के भी प्रेशर में आए बगैर ये काम किया तो सारे देश में हर किसी को समझ में आया, लोग खुश हुए कि नहीं हुए, ईमानदारी से बोल रहा हूँ, खुश हुए ना? तो उस तरह से पुलिस को भी ईमानदारी से, आज़ादी से रहने दो, और पुलिस वालों को भी बोलूँगा हराम की मत खाओ, ये तो तुम्हारे बच्चे, किसी को लकवा होगा, किसी को कैंसर होगा, किसी को बड़ी बड़ी बीमारी होंगी, ईमानदारी की खाओ। और स्टेट की गवर्नमेंट से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि पुलिस वालों को अच्छी सैलरी दो ताकि वो करप्ट प्रैक्टिस से बचे रहें। और इसी से इन्हीं बातों के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ। मेरा नाम है एडवोकेट अब्दुल्ला बिन अली अहमद, मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। कुछ और संदेश और दीजिए, जैसे ये प्रधानमंत्री जो है सबका साथ सबका विकास लेकर के चल रहे हैं और उनका एजेंडा भी है, और वो लेकिन अब्दुल्ला बिन अली, लेकिन अब्दुल्ला बिन अली जहाँ कहीं भी, मैं बारकस हैदराबाद का असदुद्दीन का, जब के अभी करने दीजिए, सबका साथ सबका विकास लेकर के प्रधानमंत्री मोदी चल रहे हैं। जो भी कोई भी पॉलिसी जो है इम्प्लीमेंट होती है, जब कोई कानून बनता है, उसमें असदुद्दीन ओवैसी हमेशा जो है मुस्लिम पक्ष को लेकर चलते हैं। ये मुस्लिम की जो राजनीति है, वोट बैंक की लगा लीजिए या जाति की, जो धर्म की राजनीति, तो धर्म की राजनीति जब जब भी देखो आप, कहीं भी उनका स्टेटमेंट देखिए, वो कहीं ना कहीं जो है ना मुस्लिम लेकर के मुस्लिम की राजनीति करते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी का कहना सबका साथ सबका, सबका साथ सबका विकास माने हिंदुस्तान में जितने भी जाते हैं, जितने भी भारतीय हैं, तो अब इससे आगे क्या कहेंगे? और उनको क्यों नहीं समझ में आता है असदुद्दीन ओवैसी को, जब भी देखो तब भी मुस्लिम? बहुत बढ़िया सवाल किया। मैं एक बात बोल देता हूँ मोदी जी के बारे में, एक बात बोलता हूँ, जिसकी जलती हो जले। मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करूँगा कि रब्बुल आलमीन, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो उन्होंने बोला है कि सबका साथ सबका विकास, तो प्रैक्टिकल ग्राउंड पे उन्होंने एक बात प्रूफ की है, देश नहीं बल्कि देश के बाहर भी उन्होंने सबका साथ सबका विकास के तौर पे खतर, सऊदीया, अपने बहरीन, अफगानिस्तान, दुनिया के बहुत सारे मुल्कों को इन्होंने मिलकर लेकर के जोड़ा है। आप ये बताइए 70 साल में 72 साल में कौन सा ऐसा प्राइम मिनिस्टर रहा है, ईमानदारी से बोलना भाई, कौन सा ऐसा प्राइम मिनिस्टर रहा है कि जो दुनिया भर के देशों से मिलकर अपने संबंध बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और इस तरह से जो ना वीज़ाओं का और पासपोर्ट का, ट्रैवलिंग के जो सोर्सेज का जो ना उन्होंने सहूलत बनाई है, और दूसरे देशों में हम जाकर के बिजनेस कर सकते हैं, ये एक अच्छा काम है ना। अब दूसरी बातें अलग है, दुनिया सारी जो है ना एक ग्लोबल क्राइसिस चल रहा है, फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है सारी दुनिया में, यहाँ पर कुछ कोशिश कर रहे हैं वो, कुछ चीज़ें नहीं हो रही हैं, लेकिन जहाँ पर 70 साल कांग्रेस ने, 60 साल में जहाँ पर कांग्रेस ने गवर्नमेंट बनाई, गवर्नमेंट चलाई, 7 साल में उन्होंने क्या कर लिया? तो अब अगर कुछ हो रहा है तो आप पुकारने के बजाय थोड़ा सपोर्ट भी कर दो, अप्रिशिएट भी कर दो। तो मोदी जी का जो काम है सबका साथ सबका विकास, इसका भी
इसकी भी हिम्मत अफजाई तभी होगी जब हम सब एक दूसरे का साथ और एक दूसरे के विकास की फिक्र करें। और रही बात असद अवैसी की, असद अवैसी तुमको एक बम्पर शेयर दो, हाँ थैंक यू, बिल्कुल बिल्कुल, हम तो साथ यहाँ तक आ गए 2000 किलोमीटर फैमिली को छोड़ करके। मैं एक बात बोल रहा हूँ असद अवैसी, आपको अगर ज़मीर है तो बार बार मोदी योगी और अमित शाह कर करके तो तुमने पैसे बना लिए 2 लाख करोड़, तुमको हिसाब देना चाहिए। एक ग्राफ बताता हूँ भाई पूरे को, हिंदुस्तान में एक अजीबोगरीब एमपी है असदुद्दीन अवैसी, जो किराए के घर में रह के आज 2 लाख करोड़ का मालिक है ये सुना जाता है। अब वो कैसे हो गया भाई, एक ऐसा शख्स जो प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ए के गुजराल, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर दिवे गोड़ा, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल जी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी, फॉर्मर